खबर रायपुर से आपको बता रहे हैं, जहां बड़ी खबर रायपुर से मिली है। छत्तीसगढ़ में कोरोना से ज्यादा पीलिया का प्रकोप फैल रहा है। पहली बार पीलिया के बढ़ते हुए मरीजों की संख्या ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। बीते कई सालों के मुकाबले इस बार मरीजों की संख्या सबसे अधिक, सबसे ज्यादा बताई जा रही है। राजधानी में पीलिया पीड़ितों की संख्या 670 के पार पहुँच चुकी है, यानी कि एक दिन में पीलिया के 22 नए मरीज मिल रहे हैं। 83 जगह की पेयजल स्रोतों की बात कर ली जाए तो 42 जगह का पानी पीने योग्य ही नहीं है और कई इलाकों में पानी में बैक्टीरिया मिले हैं। और जैसा कि स्वराज एक्सप्रेस ने पहले भी इस खबर को दिखाया था, जहां पर अधिकारियों ने भी ये इस बात को माना है कि जो पानी सप्लाई किया जा रहा है वो पीने योग्य ही नहीं है, इस बड़ी समस्या पर ध्यान नहीं दिया गया। लिहाजा जो पीलिया का प्रकोप है छत्तीसगढ़ में फैलता जा रहा है। तो 600 के ऊपर ही जो आंकड़ा है, यानी 670 के पार पहुंच चुका है राजधानी में पीलिया के मरीजों का आंकड़ा। तो कई सारे ऐसे इलाके हैं जहां पर पानी पीने योग्य ही नहीं है और इसका नतीजा यही रहा कि कई सारे लोगों को, यानी 670 लोगों को पीलिया ने अपनी आगोश में ले लिया है। और ज्यादा जानकारी के साथ पर समाचार सुप्रिया पांडे फोन लाइन पर जुड़ गई हैं। सुप्रिया, पीलिया का पीलिया के जो मरीज हैं वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं, इसको देखकर अधिकारी क्या कह रहे हैं? क्योंकि इस बात को तो वो मान चुके हैं कि पानी गंदा है, लेकिन व्यवस्थाएं क्या की जा रही हैं? पूरे प्रदेश में जो है पीलिया की तांडव के बाद से जो है शहर में मौत का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। एक मौत हुई थी, वैसे भी जो जीवाणुयुक्त जो गंदे पानी पीने की आपूर्ति के चलते शहर वासियों के साथ ही पीलिया ने निगम के अफसरों को भी जो है पीलिया के चपेट में लिया है। ऐसी जानकारी आ रही है कि निगम के एक अधिकारी को पीलिया हुआ है, तो इस तरीके से भी जानकारी आ रही है नगर निगम के अधिकारी को भी पीलिया होना, मतलब एक अपने आप में ही बहुत बड़ी बात है, क्योंकि पानी की जो व्यवस्था है वो नगर निगम के द्वारा ही की जाती है और गंदे पानी का जो सिलसिला है वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। लगातार जो है जो फिल्टर प्लांट है उसकी जाँच होती है, साथ ही पाइप है वो पाइपलाइन भी बदली जाती है, उसके बाद भी पीलिया के मरीज जो है वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं निगम के जो कार्य प्रणाली है उनके भी सवाल उठाते हैं कि काफी का क्यों ऐसा हो रहा है और इसका कारण क्या है। दूसरी चीज अभी लॉकडाउन की वजह से साफ सफाई और पानी की जो आपूर्ति है उस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। जहाँ जहाँ पर जो टैंकर आ रहे हैं तो वहाँ पर पानी भी भर रहे हैं, तो वो लोग भीड़ इकट्ठे करके सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे हैं और ऐसे ही मतलब मजबूरी में उन्हें पानी भरना पड़ रहा है। और जो पानी की जो पाइपलाइन है उसके भी जो बदलाव है वो किया जा रहा है, लेकिन ये जो सिलसिला है वो अभी भी जारी है और पीलिया के जो मरीज है वो लगातार बढ़ रहे हैं, ये आंकड़े जो है वो थमने का नाम नहीं ले रहे। चलिए, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया। और मंदसौर से आपको बता रहे हैं, मंदसौर में दूसरे दिन